नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल कनेक्शन। एक बार मौसम फिर बदल चुका है और मौसम बदला ही नहीं, कहीं कहीं पर तो बारिश भी हुई है। देखो, फिलहाल मैं आप लोगों को अपनी लोकेशन के बारे में बता देते हैं। हम इस समय तालिग्राम क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा किस क्षेत्र में है हम। देखो क्या है कि देर रात नखलऊ में बारिश हुई थी। नखलऊ में ही नहीं बल्कि वाराणसी के कुछ इलाकों में हुई थी, इलाहाबाद क्षेत्र में हुई थी और चित्रकूट में तो कुछ ओलावृष्टि भी हुई थी। तो मौसम विभाग के अनुसार, मिली जानकारी के मुताबिक आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि मौसम करीबन करीबन 15 फरवरी तक ऐसा ही रहने वाला है। कहीं पे बरसात होगी तो कहीं पे ओलावृष्टि होगी और कहीं पे बादल छाए रहेंगे। तो मौसम को देखते हुए क्या है कि हर जगह जो है थोड़ा बदलीला सा है। और अभी छिबरामऊ क्षेत्र में भी एक बार बहुत भयंकर बादल आया था और लग रहा था कि यार अब बगैर बारिश हुए नहीं बचेगा। लेकिन आप लोग ये मत भूलो कि कल है 14 फरवरी और 15 फरवरी, और 15 फरवरी तक मौसम विभाग के अनुसार मौसम में इसी तरीके से जो है लगभग कहीं बारिश, कहीं पानी, कहीं आंधी और कहीं इसी तरीके से ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो हो सकता है 14 या 15 फरवरी को कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में भी बारिश हो। बारिश नहीं लेकिन बूंदाबांदी तो पक्का होगी, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब बात आती है किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज की। अभी क्या है, धीरे धीरे करके अभी बारिश वाला जो खेत थे अभी भी खेतों में नमी है और इक्का दुक्का खेतों में आलू का जो खोदने के लिए आलू तैयार किया जा रहा था, आलू खुदाई जो है बस 2-4-6 दिन में चालू होने वाली है। किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग आलू कोल्ड स्टोरेज में डालने से पहले उसको अच्छे से ग्रेडिंग कर लें, आलू में मट्टी ना हो, आलू को अच्छे से उसमें रखने का काम करें। दूसरी बात, जितने भी नए शीतगृह बने हैं भाई, उनमें आलू डालने से पहले एक बार आपको सोच लेना चाहिए। दूसरी बात, आज तक जिसमें भी आप लोग आलू डालते आए थे, अगर आपको उसमें तकलीफ होती थी तो अब आप लोग इस बार उस कोल्ड स्टोरेज को भी चेंज कर सकते हो अपनी इच्छानुसार। इस क्षेत्र की मैं बात करूं, मैं देखता हूं लगभग इसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इधर भ्रमण किया है तो ज्यादातर खेतों की खुदाई हो चुकी है। बचे खेत की खुदाई जल्द ही चालू हो जाएगी और कोल्ड स्टोरों का इधर उद्घाटन जो है संभवतः ये है कि लगभग 18-20 फरवरी तक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के सारे कोल्ड स्टोरों का मुहूर्त हो जाएगा, मतलब कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के सारे कोल्ड स्टोरेज खुल जाएंगे। अब आती है भाव की बात। देखिए किसान भाई, क्या है कि आलू का भी मेरे साथ में कुछ ऐसे भी किसान थे जो हमसे कहते थे, राशिद भाई अभी 350 रुपये भाव चल रहा है, जैसे ही भाव 400-450 होगा वैसे ही हम अपना आलू बिक्री कर देंगे। अब क्या होता है, आज मंडी में 1-2 लाट आलू जो है लगभग 500 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से भी बिक्री हुआ था, सफ़ेद वाला। अब उसमें से कुछ किसान भाइयों ने क्या किया है कि जो लोग आलू बिकने के लिए तैयार थे, वो बिक्री करना भी चाहते हैं, उनको कोल्ड स्टोर में रखना भी नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया है, आलू को रोक दिया है कि अभी भाव 500 हो गया है, हो सकता है और भी आगे हो जाए। तो क्या है, किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि देखियो ज़्यादा, मतलब क्या होता है, हर बार यही होता है कि किसान को जब भी तेजी आती है तो किसान भाई अपना आलू रोक लेते हैं। देखिए बात ये होती है, समय हमारे पास सीमित होता है और आलू को रोकना ही हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो हमको अगर भाव सही मिल रहा है और बिक्री ही करना है, तो अगर भाव सही मिल रहा है तो आप लोग उसको बिक्री कर सकते हो आलू को। और आलू की जो खुदाई है अभी संभवतः यहाँ पे 8 दिन बाद लगने, मतलब 8 दिन नहीं, मतलब 5-6 दिन तो पक्का लगिए जाएंगे सही रूप से पक्के सीजन की आलू की खुदाई होने में। अब जिन किसान भाई ने सोच के रखा है कि भाई जैसे मुझे 500 रुपये भाव मिलेगा, तो आप एक काम करो, 500 रुपये मिलेगा वो भी पक्का मिलेगा। तो क्या है कि आप 500 रुपये पक्का भाव आपको तभी मिलेगा जब आप
ग्रेडिंग करके लेके जाओगे, अच्छा आलू लेके जाओगे, साफ सुथरा आलू लेके जाओगे, तो आपको 500 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से भी भाव मिल जाएगा। तो आइए यहाँ के लोकल के कुछ किसान भाई हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। और रही मौसम वाली बात, तो मौसम मैंने आपको बता दिया है कि मौसम विभाग के द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है कि आपके इलाहाबाद के कुछ क्षेत्र में जो है बारिश के आसार हैं, वेस्ट बंगाल में भी कुछ बारिश के आसार हैं, और आपका वाराणसी में कुछ आसार हैं, और इधर आपका चित्रकूट की तरफ तो ओले वगैरह भी पड़े हैं और दोबारा भी बारिश होने के आसार हैं। और जैसी भी जानकारी आप लोग पास है, आप लोग कहाँ से देख रहे हो, आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है, तो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलना। आइए अब यहाँ के किसान भाइयों से थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इधर का आलू का खुदाई कैसा होने वाला है और कितने दिन बाद आलू की खुदाई होगी और किसान कोल्ड में डालेंगे या बिक्री करेंगे। तो ये दादा, क्या नाम आपका दादा? सुधीर। ये कौन सी जगह है? ये है गदयाऊ सर। इधर ये आलू की खुदाई जो है अब की बार कच्चे में ज़्यादा हो गई है या पक्के के लिए छोड़ दी? कच्चे में ज़्यादा हो गई। कच्चे में ज़्यादा होने का कारण क्या है साहब? पहले गेहूं होता नहीं था, गेहूं गेहूं कमी पड़ गई, भूसा कम पड़ गया, गेहूं महंगा हो गया, भूसा महंगा है, इसीलिए हाँ। और आलू भाव अच्छा नहीं मिला? आलू भाव नहीं मिला, मतलब पिट गए अच्छी तरीके से। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार आलू कोल्ड स्टोर में ज्यादा जा रहा है आप कितना? अभी पक्के सीजन का खोदेगा या बिक्री होगा? बिक्री भी होगी और कोल्ड में जाएगा। बिक्री भी होगी, कोल्ड में भी जाएगा। आपकी यार किसान हमें लग रहा है इस तरीके से कोल्ड में नहीं रख रहे हैं कि यार भाई मुझे मतलब भाव ही मिल, मतलब अपने लायक आलू रख रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं रखने के लिए इच्छुक है, क्योंकि पिछले साल का मतलब घाटा हो गया था ना। घाटा हो गया। अच्छा, इस साल जैसे अभी क्या भाव अगर खेतों में बिक्री होता है क्या? इधर होता है। अरे दादा आ जाइए, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये भैया क्या नाम आपका दादा? संजय सिंह। कौन सी जगह है दादा ये? ग्राम गुदैया उसे पोस्ट बंगौली। दादा ये बताओ कि आपके खेतों में भाव की बिक्री होती होगी ना, आलू किसान वो व्यापारी लोग खरीदने आते होंगे, तो क्या भाव में मांगते हैं? भाई 400-500 रुपए, मतलब सफेद। सफेद नहीं, लाल हाईलैंड। लाल हाईलैंड 500 रुपए में। और सफेद क्या भाव में? सफेद है, होता ही नहीं, होता ही नहीं। अच्छा, सफेद नहीं होता है? नहीं नहीं, टोटल लाल। बहुत कम तो लाल कम में मांग रहे हैं इधर, लाल तो महंगा हो गया। आप यहाँ तो अभी 475 रुपए मांगा। 475 लाल गोल वाला? हाँ। और लाल कंचन वगैरह 475 नहीं भाई? देखो अभी भाव जो है आप लोग पता कर लिया करो, आप लोग भाव नहीं पता करते। भाव तो सफेद आलू हो गया 500, तो लाल तो महंगा बिकना चाहिए ना, मतलब थोड़ा डिफरेंस में बिकता है। 150-20-50 रुपए तो ऊपर बिकता ही बिकता है। खुदाई नहीं हो रही ना? अच्छा खुदाई नहीं हो रही। खुदाई कब से होगी लगभग आपके? 8-10 दिन बाद लगभग। 8-10 दिन बाद होने लगा। क्या करोगे आप, कितना बीघा आलू करते हो इस साल? ये हमारे इसमें आलू है पूरा 40 बीघा आलू करते हैं। अच्छा, क्या करोगे साल, कोल्ड में रखोगे या बिक्री करोगे? आधा आधा करेंगे। आधा आधा क्यों, मतलब आधा आधा क्या करोगे आपकी यार? कोल्ड को पता आगे के देखा कोई बता है पिछली साल ज्यादा पिट जाए? बिल्कुल है, लेकिन इस साल चांस लग रहा है भाव मिलने के, थोड़ा पता है? नहीं यार है? कोल्ड ज्यादा अपने जिला में 26 कोल्ड बनते हैं। मौसम कैसा, बरसात स्टार का क्या? आजकल बारिश बता रहे, कल बता रहे बारिश, ओले भी बता रहे। ओले भी बता रहे, किसमें देखा था आपने समाचार? नेट पे। नेट पे मतलब कि आप लोगों को मैंने अभी वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि 14 और 15 को बारिश के थोड़े थोड़े आसार नज़र आ रहे हैं। बाद बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है आप लोगों को बता दिया जाएगा। अदरवाइज क्या है कि कहीं कहीं तो बरसात हो भी रही है और कहीं की ओलावृष्टि भी हुई है। ये भी आगे किसान तो, देर के बाद है।